हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे गर्भ में ऐसे लक्षण जो गर्भ में लड़का होने पे दिखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल जेंड पिटिकिशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। एक माँ की क्यूरेसी होती है, उसी क्यूरेसी को कम करने के लिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, अगर से आपको गर्भावस्था में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो लक्षण बता रहे हैं वो बहुत सी गर्भवती महिलाओं में पाए गए हैं, वही लक्षण आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लक्षण स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गर्भ में लड़का होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा पल रहा है। गर्भवती महिलाओं को पैरों में सूजन, अगर से गर्भवती महिला के पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, तीसरे महीने से लेकर 9 महीने तक उन्हें बहुत सूजन होते हैं, उनके चेहरे पे भी सूजन आ जाती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में जो पल रहा है शिशु है वो एक पुत्र है, आपको एक बेटा होने वाला है। और गाइस, आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे। उसी तरह दूसरा लक्षण है, अगर से आपके गर्भावस्था में आपके राइट साइड का पैर बहुत ज़्यादा दुखता है, उसकी एड़ी बहुत दर्द देती है आपको, राइट साइड का पैर, आपको चलने में बहुत तकलीफ होती है, राइट साइड के पैर में मोच आ जाती है, एकदम चल कंबर से लेके टकने तक बहुत ज़्यादा मोच रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकती है कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वो एक पुत्र है। उसी तरह से अगर से गर्भवती महिला को सपने में अंडे दिखते हैं, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है गर्भ में लड़का होने का। अगर से आपको सपने में अंडे दिखते हैं तो आप अनुमान लगा सकती है कि आपके घर में जो पल रहा शिशु है वो एक बेटा है, आपको एक पुत्र होने वाला है, आप इस तरह का अनुमान लगा सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड में क्या लक्षण दिखते हैं तो वो कमेंट्स में बताइएगा, और आप में क्या लक्षण दिख रहे हैं वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या है, हम लोगों को बता सकते हैं कि लड़की होने पे भी यही लक्षण दिखते हैं और लड़का होने पे भी यही लक्षण दिखते हैं, तो वो हम शेयर कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने लक्षण कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और गर्भावस्था में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो भी बताने की कोशिश करें, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है, हमें बढ़ावा तो मिलता ही है पर हमें और ज़्यादा उत्साह होता है वीडियो बनाने में।